विश्वेभिः सोम्यं मधु अग्ने इन्द्रेण वायुना पिबामि तस्य धामभिः। मंत्रा, अग्ने हे अग्रणी प्रगतिशील विश्ववेभी सबके द्वारा सौम्यम सौम्य सृजन प्रेरणा मधु हर्ष से स्तुति कामना मधुरता को इंद्रेण परम ऐश्वर्यवान के साथ वायुना प्रवाह रचनाशील के साथ मित्रस्य मित्र के धाम भी धामों के साथ पिवा पीजिए। भावार्थ, मधुपर्क अतिथि सत्कार का प्रमुख साधन माना जाता है। अभ्यागत अतिथि को दधि तथा मधु मिलाकर खिलाने की परंपरा रही है। अतः कामना की गई है कि अग्नि स्वरूप परमात्मा तथा उपासक सबके द्वारा सौम्य मधु का पान करें। सबके द्वारा मधुपान से भेदभाव रहित समान व्यवहार की भावना व्यक्त हुई है। इतना अवश्य है कि मित्रों के धाम अर्थात घरों का विशेष उल्लेख किया गया है। सुख दुख में साथ रहने वाले मित्रों को विशेष महत्व देना स्वाभाविक है। सोम्य का अर्थ सोममय भी किया गया है। सोम का अर्थ सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा है। धातुवादी, अग्ने अवधातु गति करना, विश्वे भी सर्वनाम, सोम्यम सु उत्पन्न करना, ऐश्वर्य होना, सु प्रेरणा करना, मधु मद धातु स्तुति करना, कामना करना, हर्षित होना, तृप्त करना, इंद्रेण में इद परम ऐश्वर्य होना, वायुना में वय जाना उड़ना, वा गति करना, गंध होना, प्रवाहित होना, प्रवाहित करना, वी जाना व्याप्त होना, इच्छा करना, भेजना खाना, वे बुनना रचना करना सृजन करना, मित्रस्य में मेधातु है, प्रीति करना, धाम भी धा धारण करना, पोषण करना, रक्षा करना, दान करना, पिवा पी धातु है पीना। ओम खम्रम। ओम खम्रम। अत सुंदर पाठ प्रस्तुति की आपने, बहुत कुछ इससे ही स्पष्ट हो गया होगा। यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 10। ओम विश्वेभिः सोम्यं मधु अग्ने इंद्रेण वायुना पिवा मित्रस्य धामभि। इसमें अग्नि शब्द संबोधन है, अग्नि को संबोधित किया जा रहा है। हे अग्नि, हे अग्रणी प्रगतिशील, जैसा कि हम जानते हैं बताते हैं, वेद में मुख्य आध्यात्मिक अर्थ है, उसका लक्ष्यार्थ परमेश्वर है। अर्थात ये संबोधन अग्नि आदि जो आता है ये परमेश्वर के लिए होता है मुख्य रूप से। आध्यात्मिक अर्थ में उसका अर्थ अग्रणी प्रगतिशील परमेश्वर ही होगा। वह सब में अग्रणी है, इसलिए उसे अग्नि भी कहा जाता है। अनेक नामों से जाना जाता है गुणों के अनुसार। तो हे अग्नि, हे अग्रणी परमेश्वर, मुख्य अर्थ यही है। और जो उसके उपासक हैं समाज में, अग्रणी देवजन हैं, उनको भी हम अग्नि शब्द से संबोधित करते हैं। ये भावना रखते हैं कि परमेश्वर के इन गुणों को हमें भी धारण करना है अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना संभव हो। कहते हैं हे अग्नि, हे अग्नि, हे अग्नि अग्रणी परमेश्वर, विश्वे भी, देखिए तृतीया बहुवचन है और तृतीया में उसके द्वारा उसके साथ का अर्थ होता। तो विश्वे भी, विश्व का अर्थ सब सर्वनाम है वैसे, विश्वे भी सबके साथ और सबके द्वारा। सोम्यम मधु, ये सौम्य मधु है, मधु है, माधुर्य है, प्रसन्नता है, आनंद है, वह और भी सौम्य है। ये सौम्य क्या है? सु धातु का अर्थ सृजन ऐश्वर्य है और सु धातु का अर्थ प्रेरणा है। सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा, ये तीन प्रमुख गुण सोम में है। वेद में जैसे कि हमने कहा अभी, अग्नि इंद्र आदि शब्द आते हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के अनेक गुणवाची नाम हैं, वैसे ही सोम भी।
वह अग्रणी है उसे अग्नि कहा, वह परम ऐश्वर्यवान है उसे इंद्र कहा, वह सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा देने वाला है तो उसे सोम कहते हैं। ये सोम में है, सोम के योग सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा के योग, जो सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा का भाव रखता है, इस भावना से युक्त है, इसके योग्य है, वह भी सौम्यम मधु सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा से युक्त माधुर्य प्रसन्नता आनंद मधु का अर्थ यह है। कोई पदार्थ विशेष ग्रहण करना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, कर सकते हैं लौकिक अर्थ में, आध्यात्मिक अर्थ में किसी द्रव्य पदार्थ का यहाँ महत्व नहीं है। अग्ने इंद्रेण वायुना, इंद्रेण इंद्र द्वारा इंद्र के साथ, वायुना वायु द्वारा वायु के साथ, अभी हमने इंद्र का उल्लेख किया। यदि इंद्र परमेश्वरी धातु से इंद्र शब्द बना जिसका अर्थ है परमेश्वरीवान अर्थात परमेश्वर, तो परम ऐश्वर्यशाली के साथ वायु सृजनशील प्रवाहमान के साथ पिबा पिब पियो पान करो, इस सोम में मधु का पान करना है, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा के गुणों से युक्त माधुर्य का आनंद का प्रसन्नता का पान करना है, उसे ग्रहण करना है। और कैसे मित्रस्य धाम भी, मित्र के धामों के साथ, जो मित्र के धाम है, धातु का अर्थ धारण करना, धाम का अर्थ धारण, जिसे धृ धातु का अर्थ भी धारण करना है, उसी से धर्म बन गया, धृ से धर्म, क्रि से कर्म, वैसे ही धा से धाम। तो धाम भी, ये भी तृतीया बहुवचन हुआ, धामों के साथ जो भी मित्र की धारणाएं हैं, जो कुछ भी मित्र धारण करता है, जो मित्र को धारण करता है वो उसका निवास स्थान हो सकता है, धाम हम उसे भी कहते हैं, निवास को, भवन को, घर को, नगर को धाम कहते हैं। काशी धाम, अयोध्या धाम भी हम लोग सुनते ही हैं, वो इसी अर्थ में है, धारण करने के अर्थ में, जो लोगों को धारण करता है वो धाम है, जिसे इस समय हम लोग नगर आदि कहते हैं, तो धाम उन्हीं अर्थों में प्रयोग होता रहा है। तो मित्र के धामों के साथ, जो मित्र के स्थान है, जो मित्र को धारण करने वाले हैं, मित्र जिनको धारण करता है, उनके साथ और उनके द्वारा इस सोम में मधु का पान करें, ये हम अग्नि से कह रहे हैं। हमें स्वयं अग्नि स्वरूप होना है, उस अग्नि परमेश्वर की उपासना करके उसके इन गुणों को हमें धारण करना है, स्वयं अग्नि स्वरूप हो जाना है। भौतिक दृश्य भी हम प्रतीक रूप में कहते हैं कि अग्नि का यह गुण है, अग्नि से जो मिला वह भी अग्नि स्वरूप हो गया, अलग नहीं रह पाता। उस परमेश्वर की यदि हम उपासना करते हैं, उपासना का अर्थ है समीप आसन बैठना, यदि उस परमेश्वर के निकट बैठते हैं हम, तो हमें भी उस परमेश्वर के गुण आने चाहिए, उतने परिमाण में न सही, वह अनादि अनंत सर्वव्यापी है, हम सीमित हैं। तो जितनी हमारी धारणा शक्ति है, जितनी हमारी सामर्थ्य है, गुण तो उतना आएगा ही, हमारी पात्रता उतनी अधिक है तो बहुत नहीं आएगा, जितना संभव है, जितनी हमारी सामर्थ्य है उतना तो आएगा। तो ये छोटा सा गायत्री मंत्र हम लोगों ने आज समझने का प्रयास किया। ओम विश्वे भी सोम्यम मधु अग्ने इंद्रेण वायुना पिबा मित्रस्य धाम भी, हम सभी ऐश्वर्यवान प्रगतिशील प्रवाहमान मित्रों के धारणाओं के साथ सोम में मधु का पान करें,
ये इस मंत्र का सीधा सरल एक वाक्य में अर्थ होता है। इसे हम लोग अनुभूत करें, ग्रहण करें, अपनाएं। यहीं पर हमारी आज की ये मंत्र व्याख्या तो पूर्ण होती है। समय है तो हम लोग जो भी चाहें चर्चा कर सकते हैं, इसका जो भी प्रश्न हो, भाव विचार हो तो व्यक्त कर सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। हाँ तो सीताराम जी, विदुषी जी, ऐसा करें आप लोग तब तक पाठ तो कर ही लें, तब तक किसी का कोई प्रश्न होगा तो ले लेंगे। तो भाई नंदन जी, कोई प्रश्न है या पाठ करेंगे? पाठ कर लेते हैं, पाठ कर लेते हैं। है? तो विदुषी प्रारंभ करो, मतलब इस सूक्त का पाठ पहले मंत्र से। जी गुरु जी, हाँ जी, ओम अग्निः गत्राणि जघ्नता द्रणिरस्युपि पवन्या समेदः शुक्र आहुतः। ये भाई इस मंत्र को थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ो, छोटा सा गायत्री मंत्र है, पढ़ा तो अच्छा परंतु उच्चारण में कुछ हमें लगा कि उतना ठीक नहीं हुआ। हम चाहते हैं एक बार पुनः प्रयास किया जाए, है ना? ओम अग्निः व्रत्राणि जंघन द्रविणस्युः विपन्यया समिद्धा शुक्र आहुतः। अग्नि सूक्त में हम लोग इसे पढ़ चुके हैं पहले, पढ़ो। ओम अग्निः व्रत्राणि जघ्नत द्रविणस्युः विपन्यया समेदः शुक्र आहुतः। हाँ सीताराम जी बोलिए। ओम विश्ववी सौम्यं मधु अग्नि इन्द्रेण वायुना विवा मित्रस्य धामहि धामवि। ओम आयत इसे निपतिम तेजह आनट सुचिरेतो निसिक्तम द्यौः अभिके अग्निः सर्धम अनवद्यम युवानम स्वाद्यम जनयत सूदयत च। ओम अग्निः सर्धमाते सौभगाय तवद्युम्नानि उत्तमानि सन्तु संजास्पत्यं सुयमं आकृष्ट कृणुस्व शत्रुयताम् अवितिष्ठाम् मंहासि महांसि। ॐ त्वां हि मन्द्रतमम् अर्कशोकः वव्रमहे महिनः श्रोषि अग्ने इन्द्रं नत्वा सवसा देवता वायुं प्रणन्ति राधसा नृतमः। पाठ पूरा हो चुका है। किसी साथी का मंत्र से संबंधित प्रश्न हो तो कर सकता है गुरुजी। इसमें मधुपर्क को समझा दीजिए। हाँ
हाँ, जो आपने पढ़ा उसमें मधुपर का उल्लेख आ गया है, जो हमने व्याख्या की उसमें नहीं भी आया, तो इसको इन दोनों दृष्टियों से समझें। जो मुख्य अर्थ है वो आध्यात्मिक है, जैसा कि हमने अभी बताया कि सोम में मधु या जो भी आया है उसमें कहीं पदार्थ का भाव नहीं है। जो आध्यात्मिक अर्थ होगा उसमें कोई पदार्थ कोई वस्तु नहीं, जो उसका गुण है शाब्दिक अर्थ है उसे ग्रहण किया जाएगा। तो उसमें तो माधुर्य प्रसन्नता आनंद मद धातु से उसका अर्थ यही हुआ, तो वही ग्रहण किया जाएगा मधु का। सोम में सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा का अर्थ है, उसे ग्रहण किया जाएगा। ये मधुपर्क एक शिष्टाचार कह सकते हैं, जो लोक में प्रचलित हो गया था, पहले चलता रहा होगा अब ना सही, तो कह सकते हैं वैदिक कालीन समाज में, अब से कुछ प्राचीन समाज में, उत्तर वैदिक काल में, यदि आधुनिक ऐतिहासिक शब्दावली में कहें तो ये मधुपर्क शब्द प्रचलित रहा है। इसका आशय यही होता था कि जब कोई अतिथि हमारे पास आता है तो उसका कुछ स्वागत सत्कार करेंगे, तो उस समय जो कुछ उपलब्ध था, तो मुख्य भाव तो यही कहा गया कि माधुर्य हो। अब अतिथि आया है तो उसे कड़वा तो नहीं खिलाएंगे, उसे कोई तीखा कटु प्रस्तुत करें। एक शिष्टाचार की बात है भाई, अभी भी कहते हैं भाई कुछ मीठा लाओ, अतिथि आया है तो उसके लिए कुछ मिष्ठान की व्यवस्था की जाए। अब बहुप्रचलित हो गया है तो कुछ और नहीं है, मीठे में तो चाय ही होती है। तो मिलाकर बात इतनी सी है, जब कोई अतिथि आता है तो उसके स्वागत सत्कार में हम कुछ प्रस्तुत करते हैं और उसमें माधुर्य का भाव प्रयास होता है, कुछ मीठा दिया जाए। तो मधुपर्क यही है कि किसी अतिथि के आने पर कुछ मिष्ठान किसी भी रूप प्रस्तुत कर दें। और ये भी होता है कि धीरे धीरे उस समय समाज में जो कुछ उपलब्धियां भावनाएं मान्यताएं हैं, तो एक प्रकार से रूढ़ी हो जाती है। इसको आधुनिक समाज में ऐसे समझें जैसे कोई भी हमारे घर आता है, क्या होता है, चाय बना लो, कोई भी घर में आया कहे बेटा जरा चाय बना दो, ये आए हैं। तो इस समय एक लोक व्यवहार में सहज भाव से चाय प्रचलित है। कोई कोई चाय नहीं पीता है तो उसे कहना पड़ता है भाई हम चाय नहीं, तो अब इनके लिए क्या करना है वो अलग व्यवस्था। लेकिन लोक प्रचलन में कुछ ऐसा हो जाता है, तो ये कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में इस रूप में एक मधुर पेय कह सकते हैं, मीठा पेय इसे कह सकते हैं, बाद के समय में हम लोग शरबत आदि के रूप में जानते हैं, लस्सी के रूप में जानते हैं। तो एक मीठा पेय प्रचलित हो गया। अब मीठा पेय में अब उस समय वन्य जीवन था, वनों के बीच में कुछ ग्राम आदि होते थे, तो शहद हम लोग कहते हैं, मधु जो हम लोग इस समय शहद कहते हैं, तो वो सहज भाव से वन में उपलब्ध है, तोड़ लाए रख लिया घर में। कोई अतिथि आया तो उसी का एक शरबत जैसा कुछ बना दिया। हमारे घर में दूध भी है दही भी है, स्वाभाविक है उस वन्य जीवन में अधिकता होती थी, तो हमारे घर में उतने नहीं हो पाते, तो दूध है दही है मधु है शहद है, इन सबको मिला करके एक मधुर पेय तैयार किया हमने, जिसको आज की भाषा में लस्सी शरबत का मिला जुला कुछ अलग एक रूप कह सकते हैं आप। तो वो एक प्रचलित पेय था उत्तर वैदिक काल में, किसी अतिथि के आने पर उसे दिया जाता था, तो वो एक शिष्टाचार का शब्द हो गया मधुपर्क। अभी भी कह लीजिए धीरे धीरे जैसे उसको एक धार्मिक शिष्टाचार सांस्कृतिक पहचान सी मिल गई, और उसको एक तरह से कुछ लोग धार्मिक कार्य जैसा भी करने लगे, प्रतीकात्मक रूप से कहीं कुछ हो रहा है भाई मधुपर्क, ये मधुपर्क की विधि है भाई, इस तरह से मधुपर्क तैयार किया जाए और प्रस्तुत किया जाए, वो चाहे प्रतीकात्मक कोई चित्र मूर्ति ही क्यों ना हो, उसे क्या खाना पीना है, चलिए उस माध्यम से जो भी वहां उपस्थित जन है वही ग्रहण करेंगे। तो मधुपर्क का जो वास्तविक भाव है वो यही है, देश काल परिस्थिति समाज के वातावरण के अनुसार
इसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं दी जा सकती हैं। हम एक सारण से भी चाय बना लेते हैं, कोई बिना दूध की चाय पीता है, किसी के चाय में भाई अदरक है तो डाल देना, काली मिर्च है तो अच्छा है, तुलसी हो तो दे देना, तुलसी डाल दो, इलायची डाल दो, तो वो चाय उतनी अच्छी बनती चली गई। तो मधुपर को इसी रूप में ले, सहज भाव से एक मधुर पेय, मधु अर्थात शहद, दूध, दही आदि जो भी उपलब्ध है उससे बनाया गया, और विभिन्न देश काल परिस्थिति के अनुसार अलग अलग समाजों में उस क्षेत्र में प्रचलित कुछ अन्य चीजें भी लोग जोड़ते चले गए होंगे, तो वो वर्णन कुछ पुस्तकों में विभिन्न प्रकार से मिलते हैं। तो उसको अगर इस मूल भाव को आप समझ गए हैं तो और अधिक विस्तार से किसी विशेष बात पर चर्चा करने की आवश्यकता मुझे अनुभव नहीं होती है। हो सकता है आप जो कहना चाहते हो बहुत कुछ समझ भी गए हो, तो ठीक है देखते हैं। ओम स्वामी जी, ये जो शब्द आया है अतिथि, तो अतिथि शब्द से तो सन्यासी ही लेते हैं ऐसा मैंने पढ़ा है, और अथर्वेद कांड 15 में जो व्रात्य शब्द आया है उसका अर्थ भी मुझको यही समझ में आया है कि सन्यासी अर्थ ही होगा। मैं बस व्रात्य शब्द का अर्थ जानना चाहता हूँ स्वामी जी। व्रात शब्द का अर्थ तो वही है जो व्रत को ग्रहण करे, वो व्रात व्रति जिसे हम कहते हैं, व्रत को ग्रहण करने वाला व्रति या व्रात कहा जा सकता है। हमने कोई भी व्रत संकल्प लिया है कि हम लोग प्रतिदिन वेद कक्षा में वेद पाठ करेंगे, यही हमारा व्रत है, और हम लोग इस व्रत के लिए व्रात कहे जा सकते हैं। हम तो सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ ऐसे ही करते हैं, और शेष लोगों ने अपने भाव विचार के अनुसार जो भी अर्थ किया हो उनके लिए ठीक है, हमें उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, हम किसी की निंदा तो करते नहीं, आप सब लोग जानते हैं। स्वामी जी अतिथि अर्थ, अतिथि का अर्थ क्या होगा? अत धातु का अर्थ है सतत गति करना, जो निरंतर गतिशील है उसे अतिथि कहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक धुनी रमाकर एक स्थान पर बैठे हुए हैं और कहीं चलो भाई बड़ी आपने अनुनय विनय की तो आपके यहां आ गए, तो वह एक विशेष अभ्यागत होते हैं। तो अतिथि शब्द का जो अर्थ है वो यही है जो निरंतर गतिमान है, निरंतर चलते रहते हुए समाज में इस स्थान से उस स्थान पर कुछ अपने विचार विवेक विद्या देते रहते हैं, तो उन्हें हम अतिथि विशेष रूप से कह सकते हैं। जो आपने सन्यासी कहा इस अर्थ में कह सकते हैं कि यानी कि उनका कोई स्थान आदि नहीं है। इस समय तो आप देख रहे हैं सन्यासियों के बड़े बड़े मठ आश्रम हैं, तो उस अर्थ में तो वो अतिथि रह ही नहीं गए। तो अतिथि का अर्थ यही है जो निरंतर गतिशील हो, ये भी कह सकते हैं आध्यात्मिक अर्थ में कि जो वैचारिक दृष्टि से निरंतर प्रगतिशील हो, जो जड़ ना हो कि बस मैं इसी मान्यता को मानता हूं और कोई बात हम सुनने के लिए भी प्रस्तुत नहीं है, तो वो अतिथि नहीं। अतिथि का अर्थ वही है जो निरंतर प्रगतिशील है, नए नए विचारों को ग्रहण करने के लिए तत्पर है, या तर्क प्रमाण के साथ हम कोई नई से नई बात सुनते हैं कहते हैं, जब हमें वो लगता है कि हाँ इसका प्रमाण है, आधार है, सही तरीके से बताया जा रहा है, तो हमारे पिछले विचार के प्रतिकूल हो तो भी हम ग्रहण कर लें। सत्य के ग्रहण करने तथा सत्य के त्याग के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, यही भाव है। तो हम उसको अतिथि कह सकते हैं जो अपने विचारों में गतिशीलता बनाए रखे, नए विचारों को ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत रहे। ओम जी, धन्यवाद स्वामी जी। जी किसी का कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं, तथा समापन करें स्वामी जी। लेकिन आजकल तो यही देखा जा रहा है कि सामान्यता केवल जो ग्रह त्यागी लोग रहते हैं वही लोग सामान्यता इंद्रिय संयम कर पाते हैं, व्रतों का पालन कर पाते हैं, तो व्रात्य शब्द से तो सन्यासी ही लेना पड़ेगा क्योंकि ज्यादातर लोग तो नहीं कर पा रहे। मैंने कहा ना, वो आपकी इच्छा है जो चाहे अर्थ करें। हमने कहा हमने एक व्रत लिया है कि सायंकालीन कक्षा में हम सब मिलते हैं, ये हमारा व्रत है,
और हम सब इस व्रत का पालन कर रहे हैं, बाकी दिन भर आप क्या करते हैं मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आप हमारे लिए बिल्कुल दृढ़ व्रती हैं कि समय से इस वेद कक्षा में जुड़ जाते हैं। यह हमने एक व्रत लिया है और इतने लंबे समय से हम उस व्रत का पालन कर रहे हैं, तो हम सब व्रती हैं, व्रात्य हैं। अन्य समय में आप क्या करते हैं वो आप जाने, उसका हमसे कोई संपर्क नहीं है। इस व्रत का खंडन उससे नहीं होता। एक व्रत है कि सायंकालीन कक्षा में हम समय से उपस्थित होंगे, हम इस व्रत का पालन कर रहे हैं। व्रत हमारा केवल इतना है कि इतने समय के लिए हम कक्षा में जुड़ेंगे, तो इसके लिए हम बिल्कुल दृढ़ व्रात्य हैं, सम्माननीय हैं हमारे सभी साथी जो जुड़ते हैं, आप सब हमारे लिए सम्मानित व्रात्य हैं। से समय में आप क्या करते हैं उससे इस व्रत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मैं ये बात दृढ़ता से कह रहा हूँ। जी धन्यवाद स्वामी जी, जो आ गया स्वामी जी। तो बिल्कुल सही है स्वामी जी, व्रती तो जो अपने व्रत का निर्वहन कर रहा है वो व्रती है, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वो वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो। हम सिर्फ सन्यासी को ही व्रात्य या व्रती नहीं कह सकते, गृहस्थी में भी व्रत का पालन होता है, ब्रह्मचर्य में भी व्रत का पालन होता है, वानप्रस्थियों का भी अपने अपने व्रत होते हैं, उनका भी तो विद्या अर्जन करना एक व्रत है। फिर संन्यास लेंगे, फिर समाज में जाकर के उस विद्या का बंटवारा करेंगे, बांटेंगे उस विद्या को। ओम सा जी, यही हमने कहा कि हमारा व्रत है, नियमित रूप से वेद कक्षा में हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हमारा यही व्रत पर्याप्त है। बहुत अधिक न सही, इतना ही कर पा रहे हैं, यही बहुत बड़ा व्रत है। इस समय लोग इतना भी नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे विचार से अब समापन कर सकते हैं। तो सीताराम जी आप समापन ही करें, प्रारंभ करें। जी स्वामी जी। ओम यो असो आदित्ते पुरसः सो असो अहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को। ओम यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते। हाँ, तो आज शनिवार है, कल प्रातः काल 11 बजे का विशेष साप्ताहिक सत्र होगा, तो उसमें हम लोग समय से जुड़ने का प्रयास करें, कुछ प्रश्न पहले से तैयार रखें, क्योंकि वहां तो प्रश्न उत्तर ही होना है प्रातःकालीन सत्र में। ठीक है, तो कल प्रातः 11 बजे हम लोग साप्ताहिक सत्र में पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म, ओम।